जी बिल्कुल, वो बात करेंगे राम की, लेकिन आप बात करना काम की। रोड में गड्ढे की गड्ढे में रोड है, ये नहीं पता चल पा रहा है। विकास का इन्होंने मुद्दा दिया था, विनाश करके रख दिया। कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो गड्ढा मुक्त हो गया। अरे वो तो मीडिया वाले छाप दे बिकाओ, कुंटल धान गेहूं नुकसान कर, योगी जी के साण है काफी नुकसान कर रहे हैं खेत में जाकर। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। यूपी चुनाव में इस बार हवा किसकी है, यही पता लगाने हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। और आपको बता दें कि ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, किसानी यहाँ की का मुख्य व्यवसाय है, यही है ना। और यहाँ बाजार में ढेर सारे यहाँ जुटे हैं लोग, इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वर्तमान की सरकार को ये लोग कितना पास मानते हैं और कितना फेल मानते हैं, क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यानी बीजेपी की सरकार बन पाएगी या फिर इनकी विदाई हो जाएगी। अगर विदाई करना चाहती है जनता तो किसको लाना चाहती है, क्या बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगी या फिर कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी, अखिलेश यादव का क्या होगा, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत तेज़ी से चल रही है। कहीं बीजेपी जो है मुलायम सिंह की बहू को अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है, तो कहीं सपा बीजेपी के कई नेता जो पहले बसपा से भाजपा में गए थे अब उन्हें अपने पाले में शामिल कर चुकी है। इस जोड़ तोड़ की लड़ाई में कौन आगे निकलेगा और कुल मिला के जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे, इनसे बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, अभी यूपी में चुनाव होने वाला विधानसभा का, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? मुद्दा तो महंगाई पे है रहेगा, बेरोजगारी पे रहेगा, किसानों का मुद्दा है जो कि सांड जो है आज इन 5 सालों में तो किसान का जो आय था दुगना का उनका जो लागत वही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी तो बढ़ गई है, तो ये मुद्दे रहेंगे। अगर मान लीजिए चुनाव आते आते और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए, कहीं लफड़ा हो जाए कुछ, तो मुद्दे बदल जाएंगे कि रहेगा ये? नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात तो भाजपा वाले करते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी। आपको है? क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट होगा? मुद्दों पे जैसे कि बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इन मुद्दों पर सरकार फेल है कि पास है? एकदम फेल है, 0% काम नहीं किया इस सरकार। आपको क्या लगता है यही मुद्दे रहेंगे अब की बार, बेरोजगारी और मतलब महंगाई के? तो इन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, वो बात करेंगे राम की, लेकिन आप बात करना काम की। हम क्यों करेंगे, आप करेंगे ना? हम लोग ही करेंगे, लेकिन आप भी हमारी आवाज उठाना, जब वो कहेंगे राम तो आप कहना काम, तो आपकी आवाज उठाना, वो कहेंगे ताज तो आप कहना आज। आज देखिए, ताज मत देखिए, ताज तो बीत गया, लेकिन जो आज नौजवानों का विश्व चौपट हो रहा है वो आज दिखाइए आप लोग। यानी कि मुद्दा यही होगा, मैं काम जो काम करेंगे वही यूपी में रहेगा। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार? जी यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री आए थे बस्ती में, बोले थे किसान भाइयों हमको जितवाओ, केंद्र और राज्य में सरकार लाओ, हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। लेकिन आज तक भी 14 दिन नहीं हुआ, पुराना ही पेमेंट नहीं हुआ, तो नए की बात कहाँ से हो पाएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा? यही बात सही है कि हम लोगों का गन्ना का पैसा सालों साल नहीं मिल रहा है, अभी 18 जनवरी तक का पैसा नहीं आया है। अखबार में तो छप रहा है कि गन्ना किसान एकदम मस्त है। अखबार तो अखबार वाले की मीट घरे रहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। क्या लग रहा है? यही देखिए, गड्ढा मुक्त करने के लिए कह रहे, तो उधर भी दिखा दीजिए एक बार भैया, कैमरा 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 गड्ढा मुक्त है, देखिए गड्ढा मुक्त चल रहा है। यहाँ रोड में गड्ढे की गड्ढे में रोड है, ये नहीं पता चल पा रहा है। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी प्रदेश, कहते हैं ये कि क्या है इसमें जो अब हमारी गाड़ी उस तरफ खड़ी आप देख रहे होंगे, और इस तरफ आने में सोचना पड़ा है कि किस तरह से आ जाए। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। विकास का मुद्दा तो बीजेपी का था, नहीं है ना? झूठा। अभी जैसे विकास का मुद्दा देख लीजिए, वहाँ से बानपुर से आप आएंगे, रोड बन गया, 2 बार चक्ती भी दिया गया, पैसा खारिज हो गया, लेकिन रोड का गिट्टी उजाड़ना बंद नहीं हुआ है, वो बंद ही नहीं हुआ है। और शिलान्यास जहाँ रोड नहीं बनता है, शिलान्यास का वोट पहले जगह योगी आदित्यनाथ, जिला अध्यक्ष मोती सिंह हेन तेन सबका लग जाता, लेकिन कहीं दिखाओ रोड बना है, कहीं दिखा दिया आप, उकड़ा साइड से आए बोर्ड लग गया है, लेकिन गिट्टी अभी पड़ा भी नहीं, सब पड़ा है और पैसा खा, रोड नहीं बना है, रोड नहीं बना। अच्छा, मतलब विकास के मुद्दे पे बीजेपी पास है कि फेल है? फेल है, फेल है, फेल है। आपको क्या लग रहा है चाचा, अभी किन मुद्दों पर वोट होगा? देखिए, और पार्टियां थी तो अगर कोई किसान हुआ या कोई नौजवान हुआ, छात्र हुआ, अगर आवाज़ उठा देता था कि हमको तकलीफ है,
तो सरकार पर विशेष ध्यान देती थी, हड़ताल हो ही नहीं पाता था कि हड़ताल हो जाए। अगर कोई हड़ताल हो जाता था तो 24 घंटा में जो है सरकारें झुकती थी, समस्या पूछती थी, कुछ ना कुछ उस पर जो है नहीं रुपया काम तो 10 पैसा जरूर सुनती थी, काम होता था। लेकिन बहुत दुखद घटना है कि जो है इतने किसान बेचारे 700 किसान मारे गए और प्रधानमंत्री ने लास्ट में जाकर के कहा कि गलती हो गई, और जिनका परिवार जो है मर गए उनके दिल से क्या गुजरा है। हाथरस का कांड ले लीजिए आप, सरकार विकास में तो कुछ नहीं है, खाली जो है हत्या हुआ है इसमें और जो है सब काम है। तो सरकार तो कह रही है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, क्या लगता है? गुंडागर्दी तो यही है खत्म हुआ है कि जो है जहां हुआ है, अगर आप आवाज उठाओगे कहीं भी आवाज उठाओगे अपने विकास के बारे में आवाज उठाओगे उसमें अपराधी उनके पास आए और कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी क्रिकेट खेल रहा है। और गुंडागर्दी कहां से होगी जब गुंडे सरकार में आ गए? क्रिकेट खेल रहा है मतलब धनंजय सिंह केवल आप मान के चलिए एक बार को छोड़ के, बाकी अगर जितने भी वर्ग के माई दफे अगर कोई बाहुबली अपने आपको मनाता था उसका एनकाउंटर हो सब, लेकिन एक वर्ग में आप जाएंगे पाएंगे तो 100 से कुछ मुकदमे, 100, 150, 60 मुकदमे हर एक व्यक्ति पे है। उसके घर पे ना बुलडो। क्या लग रहा है अभी किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार? महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया कि नहीं? भ्रष्टाचार इस समय चरम पर है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी, आज अपने आप को कहती है कि भ्रष्टाचार। लेकिन अखबारों में छप रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। नहीं, ये तो सिर्फ गलत बात है, अखबार तो बिक करके अब छप रहे हैं। हाँ, सारे अखबार बिक गए, अब बिक के छप रहे हैं। पहले छप के बिकते थे, अब बिक के छप रहे हैं। अच्छा, पहले बिक जा रहा है फिर छप रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि ये सरकार जाएगी, योगी बाबा की सरकार जाएगी। तो किसकी आएगी फिर? अखिलेश यादव की सरकार आएगी। बहन जी की नहीं आएगी? नहीं, बहन जी की सरकार तो आना कोई बहुत दूर की बात है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा है? वो सरकार नहीं आएगी बहन जी की। क्यों नहीं आएगी बताएंगे कुछ? वो भी तो अच्छा काम करती थी। उनका 5 साल का कार्यकाल जनता देख चुकी है। हाँ, देख तो अखिलेश को भी चुकी है। नहीं, अखिलेश का जो कार्यकाल 5 साल चला वो बहुत शानदार चला है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों को आदरणीय अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया और नौजवानों को जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या जो हमारी बहनें पढ़ती थी उनको कन्या विद्याधन देने का काम, तो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, आप आज अनाज से देश नहीं चलेगा। जब तक शिक्षा आपको नहीं मिलेगा, शिक्षा आपका मूल अधिकार है, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में आप कार्य नहीं कर सकते। 5 किलो देते हैं लेकिन हमारा कुंटलों कुंटल नुकसान इस्तान कर देते हैं। हाँ, कुंटलों कुंटल धान गेहूं नुकसान कर देते हैं। योगी जी के साण है, काफी नुकसान कर रहे हैं खेत में जाके, बहुत ज्यादा। योगी जी साण छोड़े हैं। हाँ, उन्हीं की साण है। गन्ना के जोन बांटे नुकसान नहीं हो रहा है? भुगतान छोड़ो यार, गन्ना के एक पैसा भी नहीं बढ़ रहा है। बताइए, इतने साल से साल भर बीत जा रहा है, गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा है, सरकारी किसान कैसे जिए खाएंगे बताइए आप? अब बताओ मैं, ये योगी जी और मोदी जी मिला करके यहाँ जो है सर किसान भाइयों का, तो उधर देख के बोलिए, नहीं किसान भाइयों का नहीं पैसा मिल रहा है, वो कहाँ से जिए खाएंगे? रुपया कहाँ से पैदा हो रहा है? आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक काम करता हूँ, मैं अभी किन मुद्दों पर वोट देंगे आप लोग? ये मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो वर्तमान गवर्नमेंट है, देखिए अच्छाइयाँ भी सब में होती हैं और बुराइयाँ भी सब में होती हैं, बट एक चीज़ ये होना चाहिए कि जो बात कही जाए उस पर गौर किया जाना चाहिए। अभी जल्दी का जो है समय हुआ है, आपने देखा कि शिक्षा मित्र हुए, आंगनबाड़ी हुई, सहायिका हुए, अनुदेशक हुए, इन सब का पेपर वगैरह में जैसे आप लोग भी छापे होंगे, लिखित में मतलब पेपर में बयान आया था कि इनका मानदेय बढ़ा करके दिया जाएगा। आप बताइए कहीं किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। तो केवल कहने से कोई काम नहीं होता है, यानी कि सरकार जो कहती है वो कर नहीं रही है। अब ये तो मैंने तो साक्ष्य दे दिया, बट अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो तो बताइए। मैंने तो आपको सबूत के साथ पेश किया, उनको मिला नहीं, और ये कही थी। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अब मुद्दे बहुत सारे, जैसे महंगाई है, सारे लोग कहते हैं कि जैसे तेल महंगा हुआ, मैं मानता हूँ तेल महंगा हुआ, पिछले गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट के हवाला देती है बीते गवर्नमेंट की कि उन्होंने बांड दे दिया,
मैं कहता हूं कि बांड जो दे दिया तो क्या तेल से इनकम नहीं हुई? तब गवर्नमेंट जो तेल खरीदती थी वो 140 से 45 पर बैरल प्रति बैरल खरीदती थी, और आज वही 84-85 है, एक आधे पे आ गई है, और तेल उससे ज़्यादा महंगाई है। अगर सरकार चाहे और पुरानी सरकार की तरह टैक्स ले तो डीजल और पेट्रोल काफ़ी सस्ता बिक सकता है, ये बात सच है। इस बार किसान बेरोजगार नौजवान इन्होंने ही योगी जी की सरकार बनाई थी और इन्होंने ही संकल्प ले लिया है कि इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि विकास का इन्होंने मुद्दा दिया था, विनाश करके रख दिया, विनाश में कोई कोताही छोड़े नहीं। यह एक बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 26% नौजवान हैं जो वोट करने वाले हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या है इनकी। अब देखना यह है कि नौजवान किन मुद्दों पर किसको वोट देते हैं और किसको सत्ता के करीब लेके आते हैं। हाँ आइए आइए, अरे हाँ तो अभी आप भी वोट देने वाले हैं इस बार? पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? पिछली बार तो बीजेपी को दिए थे हम, बीजेपी को दिए थे, और उसके पिछली बार लोकसभा में उसके पिछले बार वोटर नहीं थे हम। अच्छा, तो अभी दूसरा वोट किसको देना है? अब की बार अखिलेश यादव को वोट देंगे। बीजेपी ने पूरा नहीं किया जो कहा? बीजेपी एकदम पूरा छलावा की है, पूरे नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को धोखा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो इस बार आप लोग भी धोखा देंगे? धोखा नहीं, हम पहले कह के कह रहे हैं कि अब उनको नहीं देंगे। अच्छा। धोखा वो देते हैं हम, धोखा नहीं देंगे। क्या हाल चाल है? ठीक भैया। अरे आ गया समय बटन दबाने का। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव? वोट दे, बटन दबाओ, बटन दबाओ अखिलेश यादव। सही कृपा। अभी आपके अखिलेश मतलब बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहाँ कुछ काम हुआ कि नहीं? हुआ, गड्ढा चला, कुछ गड्ढे थे खाद। अरे पेपर में तो गड्ढा मुक्त हो गया। अरे वो तो मीडिया वाले छाप दे, बिकाओ होता है मीडिया वाले, बिकाओ होता है कागजम काम, पूरे काम दिखाते नहीं। अच्छा, हम लोग बिके हुए हैं सब। हाँ झूठे दिखा देते हैं। सही कह रहे हैं। तो हाँ, ये बात मैं कैसे आपको समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आती। जैसे ज़्यादातर जगह जब जाइए तो लोग ये कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है। सही बात है, एक धड़ा जब ऐसा करेगा तो सबको खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, और हम लोगों को भुगतना पड़ता ही है। तो अब यहाँ लोग कह रहे हैं सड़क दिखा दी जाए, आपको दिखाई देते हैं ये जो हमारे संजय प्रताप जायसवाल जी, इसको 3 बार रिपेयर करवा चुके हैं। संजय प्रताप जायसवाल विधायक जी 2 बार, एक बार कांग्रेस के विधायक हैं, अब की बार बीजेपी के विधायक हैं। अगली बार कह रहे थे कि मैं सत्ता में नहीं हूं इसलिए काम नहीं हो रहा है, और मेरी सरकार बनेगी तो यहां ये 4 लेंथ चल जाएगा। हम कह रहे हैं सिर्फ डामर पड़ जाता रोड तो अच्छा होता। ये देखिए गड्ढा किस तब्दील बना हुआ है, और हमारे अरवा घाट गोंडा मार्ग को जोड़ती है जो बस्ती से गोंडा मार्ग जगह है, ये धोलवा चौराहा, ये धोलवा चौराहा है। अच्छा धोलवा चौराहा, ये सामने देखिए दुकान पे लिखा हुआ है धोलवा चौराहा बस्ती। सड़क की हालत काफी खराब है, लोग इसको लेके नाराज भी हैं, इनका कहना है बहुत ज्यादा नाराज है। और इसीलिए अब की बार ये सरकार को और विधायक को बदलने का एकदम संकल्प ले लिए हैं। युवा तो एक वोट नहीं करेंगे, एक भी वोट नहीं करेंगे, और किसान तो ऐसे परेशान हैं बेचारे, गन्ना बेच के और अपने घर बैठे हैं, पर्ची का इंतजार करते हैं। 18-18 महीने भुगतान नहीं होता, नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, गन्ने का भुगतान किसकी सरकार में बेहतर होता था? सबसे बेहतर सरकार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ करती थी भुगतान, जो 14 दिन के अंदर उनकी सरकार में भुगतान होती थी, और प्रतिवर्ष उनकी सरकार में 15-10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ता था दाम। और आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में 65 रुपये प्रति क्विंटल 5 वर्षों में बढ़ा है, इनकी सरकार में 25 रुपये बढ़ा है, और वो भी जब सरकार का अंत है तब 25 की बेला करीब है, जब अंतिम समय में मट जाने का समय आया है तब जनता याद आई। वो आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तो इनका कहना है कि पूर्व सरकार ने 5 सालों में लगभग 65 रुपये की बढ़ोतरी की थी गन्ने के कीमतों में, और वर्तमान की सरकार जब चुनाव सर पे आया है तो 25 रुपये बढ़ाई है। ये सभी लोग यहाँ पर ज़्यादातर किसान या नौजवान भी हैं, इन सब से बात करके हमने आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश में इस बार किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे। हवा किसकी है आप अंदाज़ा लगाते रहिए, हमें दीजिए इजाज़त, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।